नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर विदाउट बाउंड्रीज। मैं आपका होस्ट प्रत्युष शरद। तो जैसा कि भी पिछले दो एपिसोड्स हमने किए हैं उज्जैन के, तो उज्जैन में अच्छा रहा। अब वहाँ से हम एक बहुत ही सीनिक लोकेशन, जिसको कम लोगों ने, ऐसे तो नहीं बोलूँगा कम लोगों ने जाते हैं, बट जाते लोग थोड़ा सा कम हैं, ओंकारेश्वर। तो एक नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ फेमस ज्योतिर्लिंग है, बट ये बहुत ही सीनिक लोकेशन है। तो वहाँ जाके अगले दो एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं करने के लिए, देखने के लिए। तो भक्ति के साथ साथ में आपको प्राकृतिक चीज़ों का भी आनंद आएगा। तो ट्रेकिंग होगी इसमें, बोटिंग होगी, शिवा का ऑफ कोर्स, शिवा का दर्शन, चूँकि ये ज्योतिर्लिंग है तो वो करना तो है ही है, और साथ में घूमेंगे फिरेंगे। सो दैट लाइफ में जब आदमी इन सब जगहों पे जाता है तो लाइफ थोड़ी सी सेटल होने की कोशिश होती है आदमी की, और लोग बोलते हैं कि जाने पर वहाँ पर बहुत आनंद मिला। तो चल के देखते हैं कि आनंद कैसा होता है, कैसे मिलता है और क्या होता है वहाँ पर। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल वीडियो को देखें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम, हमारे साथ जर्नी जो आपकी है और अच्छी होती रहेगी, और हम एक दूसरे से और ज़्यादा तरीके से जुड़ेंगे। नमस्कार, लेट्स गो देन। रास्ते में हम एक जगह पे रुके हैं, बलराज रिट्रीट करके है एक जगह, जो एमपी टूरिज्म वालों ने बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, गुड फैसिलिटीज और रेस्ट, चाय, इट्स वर्थ व्हाट यू सी। खूबसूरत है और फैसिलिटीज आर ऑल्सो टॉप नॉच। तो थोड़ा चाय वाय पीते हैं, देखते हैं कैसा है। ये रास्ता जहाँ पर हम रुके हुए हैं एमपीटी के टेंपल व्यू में, वहाँ से आने जाने का रास्ता है, बहुत ही सुंदर है, पूरा जंगल से घिरा हुआ। गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी मैं ओंकारेश्वर पहुँच गया हूँ। उज्जैन से ओंकारेश्वर का सफ़र करने में करीब करीब 4.5-5 घंटा लगे, बीच में हमने छोटा ब्रेक भी लिया। रास्ता काफ़ी ठीक ठाक था और बीच में से पहाड़ी इलाके से भी आया, काफ़ी खूबसूरत रास्ता था वो भी। और जहाँ पर अभी आज के दिन में मैं रुकने वाला हूँ, वहाँ से ओंकारेश्वर भगवान का के मंदिर का डायरेक्ट व्यू आता है। आप लोग भी थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं अभी शाम को ही जाऊंगा महामल्लेश्वर टेंपल और ओंकारेश्वर, दोनों ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करूंगा आज शाम को। तो अब हम यहां से चलेंगे, तब तक आप थोड़ा सा एक विहंगम दृश्य ले लीजिए यहां से।
खूबसूरत नर्मदा नीचे है। हाँ जितेंद्र जी बताइए, अभी यहाँ हम कहाँ से चल रहे हैं? ओंकारेश्वर महादेव के भी हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं जी सर। और ये कौन सा ब्रिज है? पुराना ब्रिज है ये? पुराना ब्रिज जेपी चौक है सर। जेपी चौक वाला जी सर। वहाँ से सूर्य श्रद्धालु जाते हैं ओंकारेश्वर महादेव के मेन लिंगम ओंकारेश्वर ज्योति। ओके, ये मेन रास्ता है सर। तो अभी यहाँ से हम सीधे चलेंगे और मंदिर की तरफ चलेंगे जी। और अभी हम नर्मदा के ऊपर खड़े हुए हैं जी। जी बहुत सुंदर है, सबको दिखाता हूँ। ये देखिए भगवान का, ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर और नीचे नर्मदा बहती है। और इस ब्रिज से अभी हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे। एक ये शालिग्राम कहाँ पर सकते हैं? ये माँ नर्मदा के, नर्मदा कावेरी के संगम है। अच्छा, और त्रिवेणी संगम त्रिवेणी संगम में आज जो यहाँ पर आप ले जाएंगे हमको, वहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, यहाँ पे ले जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम। कल सुबह ले चलेंगे ना? हाँ कल सुबह ले चलूँगा मॉर्निंग। तो वहाँ से अब हम कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं? हाँ ले जा सकते हो, अलाव है सभी, पूरा अलाव है सर। अच्छा अभी अभी जब आप पकड़ो एक मिनट खा रहा बहुत अच्छा साक्षात देव भगवान के आपको कॉलेज आपने भेजा हमारे पास क्या? मैं भी उसका सबसे सबसे बड़ा तो नहीं बोलता क्या, वो छोटा बाथरूम है। तो उन्होंने मेरे को आपको भेज दिया, अच्छा था जीव के रूप में आ जाए। अच्छा भोलेनाथ की सवारी है? ये आदि शंकराचार्य की गुफा में अभी हम लोग हैं। यहाँ पर शंकराचार्य अपने गुरु को आके मिले थे और ये अंदर की गुफा का दृश्य देखिए। और ऊपर से जो जलाभिषेक होता है ओंकारेश्वर महादेव का, वो यहाँ पर उनका जल आता है डायरेक्ट। ये रहा, ये गुफा है जहाँ पर की एक्चुअल गुफा है, ये यहाँ तक देख सकते हो अंदर चीनी। ये अंदर की गुफा है, ये एक्चुअली में पानी आता है वहाँ से जलाभिषेक। ये शंकराचार्य जी को जो मान नर्मदा जी को दिया है, प्राचीन मूर्ति बहुत समर्थ बहुत ही प्राचीन से काल से बनी हुई है ये तस्वीर। अच्छा अच्छा, आदि शंकराचार्य माई नर्मदा को वो कर रहे हैं जी जी जी। ये इनको नज़दीक से देखने लायक है। आदि शंकराचार्य माँ नर्मदा की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी, और क्या था जितेंद्र बोलिए? सर ये बहुत पुराना गुफा है, अंदर से माँ नर्मदा जी का जल स्तर का रास्ता था।
अभी वो बंद हो गया है। ओके, पत्थर गिरने से गुफाओं बुझ गई। यहाँ से जाने से अल्लाह ट्रस्ट वो दोनों मिलाप होते थे महेश्वर महेश्वर अंदर। तो ये बहुत प्राचीन है वैसे। हाँ, बहुत प्राचीन है सर। ये देखिए बहुत प्राचीन है। प्राचीन मूर्तियाँ पड़ी है ऐसी। वो कलंका माता का, कलंका माता का देख इधर होगा। कौन सी देवी है? कलंका माता। और इधर जो मूर्ति प्राचीन शिकारों में बनी है भगवानों की, बहुत प्राचीन। इधर से देखो बहुत प्राचीन, पानी यहाँ तक आता है ओंकारेश्वर डैम से। जले ये धार के द्वार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम जा रहे मंदिर के नहीं। हाँ, इसीलिए चार सौ सत्तर फीट गिर रही है अंदर पानी। 470 लगभग। ओ 560 फीट बताते हैं आप, बहुत कम से कम बताते हैं। तो यहाँ जो नर्मदा हैं उनका बता रहे हैं हमारे गाइड की डेप्थ 470 फीट है यहाँ पे। तो नदियों का ऐसा है कि जहाँ पर नदियों का पार्ट चौड़ा होगा वहाँ पर उसका डेप्थ कम होगा, और जहाँ पर पार्ट कम होगा वहाँ डेप्थ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई कम है तो यहाँ डेप्थ बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे गुजरात की तरफ जाते हैं तो इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है जी जी। तो डेप्थ कम होते जाता है। और ये जो जा रहा था के ऊपर में लक्ष्मण झूला ब्रिज बोलते हैं इसको, तो ये बड़ा फेमस है और ये हमेशा आता है। और इसमें फिशेस हैं, वेरी बिग फिशेस, जो 15 से 20 केजी के तक की हैं फिश, है ना। आप लोग मिलते हैं कभी आप। जय भोलेनाथ। यानी कि कहा कि दोनों अवतार मनोकामना पूरी हो जाती है ये इनसे के जो मन भाव। अच्छा अच्छा, आप लोग को दिखाता हूँ एक बहुत पुराना शिवलिंग। ये देखिए जय भोलेनाथ। भी लेके चल सकते हैं। चलो भाई। देखिए जय पंडित जी, जितनी इच्छाएं थी इस मानव उसकी वो पूरी हो गई को देख के, अब कोई इच्छा नहीं रही। जय भोलेनाथ। तो इस प्रकार हमारा दर्शन हो गया। और कटसी जितेंद्र आइए, जितेंद्र जितेंद्र जी के आने के चलते हम लोग को बहुत सुविधा हुई, और जो चीज़ें नहीं हो पाती थी वो भी पॉसिबल हो गई। जितेंद्र जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और कल सुबह फिर हम लोग चलेंगे जी सर। ये मंदिर परिसर, ये रात का दृश्य कितना अच्छा लग रहा है मंदिर का। महाकाल ओंकारेश्वर महादेव का, और वो एक मंदिर है जहाँ हम जाने वाले हैं, विष्णु मंदिर। और ये ब्रह्मेश्वर मंदिर, प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर जी। ये देखने से ही इतने पुराने लगते हैं मंदिर। अभी मंदिर बंद हो चुका है लेकिन ये देखिए पीछे का कैसा, कितना अच्छा सीन नजर आ रहा है। ये माई भेरी है उधर। पानी भेरा सर वहाँ। हाँ, और ये देखिए नर्मदा। और वो दूर वाले ब्रिज से हम लोग आए थे, है ना जितेंद्र जी। अब उस करीब आ गए, पार्किंग के पास आ गए।